सोफिया शमशेर को समझाने की कोशिश करती है कि महक ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है, कब तक उसके ख्यालों में इसी तरह गुम रहोगे, ये बात कबूल क्यों नहीं कर लेती कि वो कभी भी वापस नहीं आएगी। सोफिया, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम महक के बारे में मुझसे कोई भी बात करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास मत आया करो, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करना चाहती हूँ शमशेर। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जब कोई इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाता है तो इसके बावजूद जिंदगी में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम कब तक उसकी यादों के साथ सारी जिंदगी गुजार दोगे, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। सोफिया, जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो जिनकी कोई हकीकत नहीं। दूसरी तरफ शमशेर की माँ बाबा साहब से कहती है कि आपको नहीं लगता कि आपने महक को शमशेर से छीनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शमशेर को पहले मैंने कभी भी इस हालत में नहीं देखा, हकीकत यही है कि वो महक से सच्ची मोहब्बत करता है, इसीलिए तो वो इस बात का यकीन करने के लिए तैयार तक नहीं कि महक उसे छोड़कर जा चुकी है। अगर ये बात उसके सामने आ गई कि महक को मारने का मनसूबा किसी और का नहीं बल्कि आपका था, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको माफ कर पाएगा। कुछ भी हो जाए, शमशेर को महक को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो उस लड़की को भूलेगा नहीं, वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता।